हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं समय एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स वीडियो ऑन अप टू नाउ चैनल। तो आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लंबे समय तक याद रह सके और आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो टू बी अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसे बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? तो ये की गई है अश्विनी भाटिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया अश्विनी भाटिया। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया के उत्थान की सिफारिश की है। तो 7 सदस्यीय जो ब्यूरो था, जिसके प्रमुख भानु प्रताप शर्मा है जो कि पूर्व सचिव है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के पूर्व सचिव थे, तो उन्होंने 3 जो राज्य स्वामित्व वाले बैंकों में शीर्ष स्तर के जो पदों के लिए 20 कैंडिडेट का उन्होंने इंटरव्यू लिया। और वर्तमान में SBI के जो 3 MD है वो है दिनेश कुमार खारा, अरिजीत बसु और चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। और अभी जो प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया के लिए सिफारिश की है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2020? तो माता पिता 2020 के वैश्विक दिवस का विषय क्या है? तो ये विषय है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो गया अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर में सभी पेरेंट्स को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को जो है वर्ल्ड स्तर पे पेरेंट्स डे मनाया जाता है। और पेरेंट्स का जो वर्ल्ड में बच्चों के पोषण और सुरक्षा में परिवार की जो प्राथमिक जिम्मेदारी को ये पहचानता है, इसलिए ये दिन अपने बच्चों के लिए सभी पेरेंट्स की निस्वार्थ यानी कि सेल्फलेस प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है, जिसमें उनके आजीवन इस रिश्ते को पोषण करने के लिए बलिदान भी शामिल है। तो अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड पेरेंट्स डे 2020 इसका थीम है। और ये विषय दुनिया भर में अपने बच्चों के प्रति पेरेंट्स के स्ट्रगल और बलिदान का समर्थन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया? तो मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनिता कोटवानी को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया अनिता कोटवानी। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो डेंटसु एजेस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। वह पहले मिंडशेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी व्यवसाय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी। तो CEO की नई भूमिका को निभाते हुए अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की रणनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय वृद्धि की दिशा में काम करेगी। तो फ्रेंड, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 3 years? तो 3 साल के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PR जयशंकर को। तो PR जयशंकर को IIFCL के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PR जयशंकर को भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो वह अगले 3 साल के जो टेन्योर के लिए IIFCL के MD के रूप में काम करेंगे। और उन्होंने पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है।
और ये नियुक्ति 15 मार्च 2020 को बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा सिफारिश के बाद की गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट इट इज़ टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू 1.5 करोड़ पीपल। तो सरकार ने घोषणा की है कि वह 1.5 करोड़ किस टाइप के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी, यानी कि किन को प्रदान करेगी। तो ये करेगी डेयरी फार्मर्स को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया डेयरी फार्मर्स। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सरकार ने ये घोषणा की है कि वह एक विशेष अभियान के तहत 1 जून से 31 जुलाई 2020 यानी कि अगले 2 महीनों के भीतर दुग्ध संघों और दूध जो उत्पादक कंपनी है उससे संबंधित 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। तो वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से जो पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध संघों को मिशन मोड पे समान रूप से लागू करने के लिए KCC आवेदन प्रारूप जारी किया है। अभियान का जो मेन एम है, लक्ष्य है, वो 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को KCC प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको रेगुलर रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप डेली के 2 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें और बिना किसी दिन स्किप किए हुए, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, लेकिन आपको रूटीन रखना है, तभी आप अपना जो लक्ष्य है वो अचीव कर पाओगे। तो इसी तरह जो करंट अफेयर्स के जो वीडियो है वो भी आप डेली देखें। आप ऐसा स्किप ना करें कि एक दिन में 7 में देख लेंगे या वीकली देख लेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपको वीडियो डेली देखना है, तो डेली आपको टाइम निकालना है और एक रूटीन, एक स्केड्यूल टाइम पे आपको वीडियो देखना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप आने वाले एग्जाम में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसको आप सही तरह से सोल्व कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फेमस स्प्रिंटर बॉबी मैरो पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो प्रसिद्ध धावक बॉबी मैरो को हाल में निधन हो गया, वह किस देश से थे। तो बॉबी मैरो कहाँ के थे, तो वो थे USA के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो अमेरिकन स्प्रिंटर सैन बेनिटो बुलर बॉबी मैरो का हाल ही में निधन हो गया। वह 4 जो मेन व्यक्ति है, जैसे जेसी ओवेंस हो गए, कार्ल लुईस हो गए और उसेन बोल्ट, उनमें से 4ों में से एक है जिसने एक ही गेम में 100 मीटर, 200 मीटर एंड 4x100 मीटर रिले में 3 स्पर्धाएं जीती हैं, यानी कि मेडल्स जीते हैं। तो उन्होंने मेलबर्न में 1956 के जो ओलंपिक था उसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर के जो रिले हैं, तो तीनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे, यानी कि गोल्ड मेडल जीते थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज जॉइंट हैंड विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ LIC। तो LIC के सूक्ष्म बीमा उत्पादकों को वितरित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाथ मिला है। तो ये मिला है वक्रांगे लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया वक्रांगे लिमिटेड। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। वक्रांगे लिमिटेड ने भारतीय बीमा निगम यानी कि LIC के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है, जो भारत में फैले अपने नेक्स्टगन वक्रांगे केंद्र नेटवर्क के माध्यम से जो अनछुए क्षेत्र है, यानी कि रिमोट एरिया है, जो इनको अभी तक छुआ नहीं है, तो उन सूक्ष्म बीमा प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साझेदारी की है। और वक्रांगे लिमिटेड जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुरू की गई आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है। तो ये अनुपात है 35.3%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 35.3%। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल जो सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट का शुभारंभ किया, यानी कि सर्वे की एनुअल रिपोर्ट जारी की है। और सर्वे के अनुसार जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है तो वो 2017-18 में 34.7% था, और उसकी तुलना में अभी बढ़ के हो गया 35.3% हो गया है। और जो बेरोजगारी की दर थी वो जुलाई 2018 से जून 2019 की अवधि में
5.8% गिर गई है, जबकि वही 2017-18 की इसी सेम ड्यूरेशन में ये 6.1% थी, और 2017-18 में 36.9% की तुलना में जो श्रम बल की भागीदारी है वो भागीदारी दर जो बढ़ के वो होगी 37.5% होगी। यानी कि जो लेबर है जनसंख्या अनुपात में, तो इतने मजदूर लोग पहले थे और अभी मजदूर लोग जो बढ़ के 35.3% हो गए, और किसी भी श्रम बल की भागीदारी यानी कि जो भी जीडीपी है यानी जो भी काम है उसमें इसका हिस्सेदारी कितना है, तो वही पहले इसकी होती थी 36.9% होती थी, और अब ये बढ़ के होगी 37.5% होगी। तो यहाँ पे श्रमिक का जो रेशियो है वो भी बढ़ा है, यानी कि लेबर भी बढ़े हैं और उनकी भागीदारी भी बढ़ी है, और जो बेरोजगारी है वो घट गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच पेमेंट बैंक हैज़ कोलाबरेटेड विथ मास्टर कार्ड टू क्रिएट कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़। तो भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए किस भुगतान बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय किसानों और लघु और जो मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। ये फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है ये विशेष रूप से उन प्रदेशों के लिए है जहाँ बैंक प्रशासन की कमी है या बैंक प्रशासन की पहुँच कम है। तो जहाँ पे बैंक नहीं पहुँचा है तो वहाँ पहुँचने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो ये जो दोनों का कोऑर्डिनेटेड प्रयास है, ये मास्टर कार्ड की दुनिया भर में, जैसे आपको पता है कि मास्टर जो कार्ड है वो दुनिया भर में फैला हुआ है, तो उसकी भागीदारी को उन्नत वित्तीय समाधान और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो संचालन प्रणाली को अंतिम मील और उसके जो बड़े ग्राहक आधार है उस पे लाने के लिए एकजुट करेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की लिंक, आपको करंट अफेयर्स की PDF फाइल और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप जाइए और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप डेली डोज ऑफ करंट अफेयर सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।